नोएडा में गंगा प्लांट में सप्लाई बंद होने से इलाके के लोगों के लिए पानी की किल्लत बढ़ गई है। दरअसल हर साल गंगा प्लांट में होने वाली सफाई की वजह से 3 अक्टूबर से पानी की सप्लाई बंद कर दी गई है। ऐसे में गाजियाबाद, नोएडा और पूर्वी दिल्ली के इलाकों में रहने वाले लोग अब पानी नहीं उनको मिल पाएगा। हालांकि नगर निगम ने पानी की सप्लाई की व्यवस्था की है, लेकिन इलाके के लोगों का यह मानना है कि इस पानी को पीना बीमारियों को न्योता देना है। तो आप पानी इतना गंदा आता, ना वो कपड़े साफ होते, ना खाना बनता है बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्हें कैसे खाना दे उस गंदे पानी में बना के। बहुत गंदा पानी आ रहा, पीला आ रहा बिल्कुल। हम लोग जनरली वाटर टैंकर से पानी सप्लाई करते हैं। पिछले बार हम लोगों ने इसके लिए 6 नए ट्यूबवेल की व्यवस्था की थी, ताकि नए ट्यूबवेल से वाटर सप्लाई ईजियर हो जाएगी टाइम बीइंग के लिए, जो ये 15-20 दिन का टाइम रहता है जब गंगा वाटर सप्लाई नहीं होती है। इनमें से शायद 2 ट्यूबवेल बन गए हैं और बाकी टेंडर होके उनका वर्क चल रहा है। तो आपको बता दें, हर साल होने वाली सफाई की वजह से प्लांट बंद है और ऐसे में अब लोगों के लिए पानी की किल्लत बढ़ेगी और 3 अक्टूबर से गंगा प्लांट सप्लाई जो है वो बंद होगा। नोएडा वासियों को खासी परेशानी यहां पर होने वाली है। हर साल सफाई गंगा प्लांट की जाती है, जिसके चलते पानी को रोक दिया जाता है। और ये बता दें आपको कि फिलहाल जो पानी सप्लाई किया जाएगा वो नगर निगम की तरफ से सप्लाई होगा, लेकिन लोगों की यह शिकायत है कि जो पानी है इसको अगर पीते हैं तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर बीमारियों को न्योता वो दे रहे हैं। और पवन इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ नोएडा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, जाहिर तौर पर प्लांट जो है उसकी सफाई होनी ही है, लेकिन जो दिक्कत लोगों के सामने अब खड़ी हो जाएगी, जो पानी सप्लाई नहीं होगा उसका विकल्प दूसरा ये है कि निगम की तरफ से पानी सप्लाई करवाया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग बात कह रहे हैं कि अगर इस पानी का इस्तेमाल करते हैं तो सीधे तौर पर बीमारियों को न्योता, तो ऐसे में अब अगला विकल्प क्या? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हर साल ये इतने इसी वक्त में दीपावली के आसपास में ये गंग नहर की सफाई होती है, जो परियोजना है उसकी सफाई की जाती है, टैंक्स की सफाई की जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर ये हर साल होता है तो इसका विकल्प अभी तक क्यों नहीं तलाशा गया? और जो लोग हैं, चाहे वो नोएडा वासी हो, चाहे वो गाजियाबाद वासी हो, या फिर ईस्ट दिल्ली के रहने वाले, वो सभी इस परेशानी से दो चार होना पड़ता है उन्हें। लोग मेरे साथ मौजूद हैं जो नोएडा के रहने वाले, उनसे बात कर लेते हैं कि किस तरीके की दिक्कतें होती हैं। ऋषिपाल, हर साल यही दिक्कत आती है, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आप लोगों को फेस करनी पड़ती है? जिस वक्त गंगा जल की कमी होती है और सफाई के नाम पर गंगा जल बंद किया जाता है, हमारी पानी की क्वांटिटी भी कम हो जाती है, प्रेशर लो हो जाता है और क्वालिटी तो इतनी खराब हो जाती है, गंदा पानी आता है, बिल्कुल पीने लायक पानी नहीं रहता। बिल्कुल। और लोगों से पूछते हैं, बच्चों आप लोगों को क्या दिक्कत आती है जब पानी सप्लाई कम हो जाता है? जब पानी सप्लाई कम हो जाता है, गंदा पानी आता है, जो हमारे लिए बहुत ही, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत खराब होता है, जैसे उससे हैजा रोग और भी बहुत सारे हो जाते हैं, रोग प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। एक डॉक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो खुद लाइव में हमारे साथ खड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ती हैं एक आम आदमी को ऐसे पानी से? ये पानी की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि अगर हम पानी को पीने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पानी जो सप्लाई में आता है वो आम लोगों की हेल्थ से, अगर गंदा पानी सप्लाई होगा तो उससे पानी की लोगों को बीमारियां जो होने वाली हैं, जैसे हैजा है, पीलिया है, डायरिया है, ये सारी बीमारियां जो है बड़ी कॉमन सी हो जाती हैं। और इन दिनों में जब पानी की, गंगा जल की सप्लाई रुक जाती है या उसकी सफाई के नाम पर जो परियोजनाओं में काम चल रहा है, उससे विकल्प के रूप में सरकार को निश्चित रूप से एक ऐसा व्यवस्था बनानी चाहिए कि जिससे कि आम लोगों की सप्लाई पीने का पानी जो है वो अच्छा रहे। कहीं ना कहीं बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। और लोग भी मौजूद हैं। मैम, किस तरीके की प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है गंगा सप्लाई वाटर रुकने से? बहुत सी प्रॉब्लम आ जाती है कि पानी की कमी आ जाती है, पानी गंदला आने लग जाता है, तो इसलिए कुछ सरकार को ऐसे ही करना चाहिए कि आम लोगों के लिए अच्छा पानी सप्लाई हो सके और अच्छी मात्रा में पानी मिल सके। जी, और लोगों से पूछ लेते हैं, आप लोगों को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है इस दौरान? काफी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, जैसे कि हमारा
गंदा पानी आ रहा है उसका सबसे ज्यादा जो असर पड़ता है वो होता है छोटे बच्चों पर। वो पी रहे हैं, उनका विकास अभी होना है, उनका अभी से ही खराब होगा तो फिर आगे चल के क्या होगा। तो ये पानी का प्रॉब्लम चयन है, इस पे काफी ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं सर से पूछते हैं, सर आप हॉस्पिटल में भी रहे कई साल, गंदा पानी सर कितना खतरनाक है आप समझ ही सकते हैं हम लोगों के लिए, और वो भी 2000 TDS के आसपास अगर मिले तो कुछ। 2000 TDS गंदा पानी से तो बहुत नुकसान है जी, जैसे पीलिया हो जाता है, गंदा पानी पीने से बच्चों में पीलिया हो जाता है, हैजे की बीमारी हो जाती है, डायरिया की शिकायत हो जाती है जी। और बच्चों से पूछ लेते हैं, आप लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है घर में? सर एक्चुअली गंदा पानी आता है तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इस बात की होती है, अभी तो वेदर चेंज है तो वैसे ही बीमारियां फैलती है, ऊपर से पानी ही अगर साफ नहीं आएगा तो और ज्यादा डायरेक्ट जाएगा हमारा। सो एक तो हम खाना नहीं बना सकते, ऊपर से जो भी हमारा वाटर एंड फूड इज द मेन रिसोर्स फॉर लाइफ, अगर हमारा वही नहीं होगा सो वी कांट डू एनीथिंग। ठीक है ऋषिपाल जी, कोई सॉल्यूशन इस पर, कोई सरकार को पत्र लिखा गया, उनसे बात की गई या अथॉरिटीज ने कोई कदम उठाया इस विषय में? मैं पिछले 6 वर्षों से नोएडा प्राधिकरण के स्तर पे भी, शासन के स्तर पे माननीय मुख्यमंत्री जी को 5 बार चिट्ठी लिख चुका हूँ। नोएडा की समस्या का, पानी की समस्या का अगर समाधान करना है तो नोएडा को अपना वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना ही पड़ेगा। जब तक नोएडा में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाया जाएगा और शोधित वाटर सप्लाई नहीं किया जाएगा, पानी की ना तो गुणवत्ता सुधर सकती है और ना पानी का प्रेशर पूरा हो सकता है। जब तक सरकार इस पर ध्यान नहीं देगी नोएडा में पानी की समस्या बढ़ती ही चली जाएगी। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं अपना वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नोएडा अथॉरिटी को लगाना पड़ेगा, जिससे जिसके बाद लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है। लेकिन अभी तक सरकारें बदलती रही, व्यवस्था नहीं बदली, अगर बात करें तो साल दर साल यही व्यवस्था रहती है और लोगों को दिक्कतों से दो चार होना पड़ता है जी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर साल दर साल ये दिक्कतें होती होंगी लोगों के लिए, जैसा कि लोग बता भी रहे हैं 6 साल से लगातार यहां पर कंप्लेंट कर रहे हैं, बावजूद उसके कोई एक्शन नहीं लिया गया। पवन, सवाल अब ये उठता है कि जब 6 साल से लोग आपसे गुहार लगा रहे हैं, कंप्लेंट कर रहे हैं इसको लेकर, तो फिर आपका रवैया इतना लचर क्यों है? आप इसकी तरफ कोई एक्शन लेते हुए नजर क्यों नहीं आ रहे? उसके बाद जब बीमारियां फैलेंगी, जब लोग अस्पतालों में पहुंचेंगे, तादाद बढ़ेगी, तब एकदम से प्रशासन हड़कंप में आ जाता है कि यह क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसकी जांच होगी। लेकिन जब उपाय करने चाहिए तब इतना ठंडा रवैया क्यों आखिर? बिल्कुल, देखिए लोगों से ही पूछ लेता हूं और खासतौर से ऋषिपाल जी, क्योंकि कई बार ये लोग सवाल उठाते रहते हैं, सेक्टर वासी हैं नोएडा के, रहने कहने को तो बहुत बड़े बड़े घरों में रहते हैं, बहुत साफ सुथरे घरों में रहते हैं, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं पानी की वो दिक्कत होती। सर आप लोगों ने आवाज उठाई है कई बार, ये लचर रवैया क्यों है नोएडा अथॉरिटी का, क्यों वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बनाते, एक बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना देते हैं? देखिए नोएडा से हमने बहुत बार कहा है और हर बार उनका एक ही जवाब होता है कि हम पानी की में सुधार करेंगे। सुधार के नाम पे 4-6 दिन पानी अच्छा आ जाता है, जब गंगा वाटर इनको ज्यादा मिलता है कुछ दिन के लिए दे देते हैं, वो भी पर्टिकुलर सेक्टर्स में, जिन सेक्टर्स में ज्यादा आवाज उठती है कुछ समय के लिए दे दिया जाता है, लेकिन पूरे सुधार के लिए। अब ये चीज मेरी भी समझ से बाहर है कि नोएडा की इतनी बड़ी समस्या पर न नोएडा प्राधिकरण न उत्तर प्रदेश सरकार कोई भी गंभीर क्यों नहीं है। दिल्ली से सटा हुआ इलाका है, पूरे उत्तर प्रदेश का 100 विंडो है, उसमें भी अगर पानी की गुणवत्ता इस तरीके की रहेगी तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा बिल्कुल नहीं सोचा जा रहा। पवन, और जिस तरीके से नोएडा में आज आबादी का घनत्व बढ़ता जा रहा है, पवन लोगों से ये भी जानने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि लगातार ये दिक्कत जो है बनी रहती है, जब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की सफाई होती है तो निगम की तरफ से पानी सप्लाई किया जाता है और पानी गंदा जैसे कि लोग बता रहे हैं रहता है अक्सर, ऐसे में क्या पिछले जो साल बीते हैं उनमें ऐसी कंप्लेन निकल के आई है कि ये पानी पिया लोगों ने और उसके बाद बीमारियों की शिकायत सामने निकल के आई हो पिछले साल जो बीत चुके हैं? बिल्कुल, पूछ लेता हूं लोगों से और बात करता हूं। सर ये बताइए कि पिछले कई सालों से इस तरीके की शिकायतें आ रही हैं, तो क्या कोई ऐसे केसेस निकल कर सामने आए कि ऐसा पानी पीने से कोई बीमार हो गया, किसी को प्रॉब्लम हुई, कुछ ऐसे मामले आप लोगों ने देखे हों? हाँ देखिए, ऐसा है कि पानी का जो पीने का जो TDS है वो 200 से लेकर के 300 के आसपास होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो ग्राउंड वाटर का जो TDS है वो 1200 से लेकर 1300 तक आता है, और जब गंगा पानी उसमें मिक्स हो जाए, मिक्स कर दिया जाता है, तब भी वो 500-600 के आसपास बना रहता है। तो कुल मिलाकर के गंगा का वाटर आने के बाद भी
समस्या बहुत नहीं सुलझती है, समस्या थोड़ी सी सुलझ जाती है। उसके बाद भी हर घर में आरओ प्लांट लगाए गए हैं और उस आरओ प्लांट की वजह से कितना कोई बीमारी के पुराने केसेस देखने को मिले आप लोगों को? पानी से जो तमाम सारी बीमारियां होती है प्रदूषित पानी पीने से, और जो ज्यादा टीडीएस के पानी के पीने से जो समस्याएं होती हैं खासतौर से बच्चों में, वो लगातार हमारे अस्पताल में, जो हमारा आरोग्यम अस्पताल यहाँ पर खुला हुआ है उसमें हम लगातार फेस करते चले जा रहे हैं। और हम बार बार अथॉरिटी से इसीलिए प्रार्थना करते हैं कि कम से कम इस पीने के पानी की समस्या पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, देखिए ये लोग एक छोटा सा हॉस्पिटल भी चलाते हैं जिसमें बता रहे हैं कि पिछले कई सालों से ऐसे केसेस भी आए हैं जो पीने के पानी पीने से बच्चे बीमार हुए हैं, लोगों को प्रॉब्लम हुई है। तो इन लोगों ने स्पेशली नोएडा अथॉरिटी को लेटर्स लिखा है कि जल्द से जल्द वाटर ट्रीटमेंट प्लान बनाया जाए। ऋषिपाल जी, कुछ केसेस आए हैं क्या बीते सालों में अगर बात करें बीमार बच्चों के? देखिए मैं तो स्कूल से भी जुड़ा हुआ हूँ, स्कूल भी चलाता हूँ। मेरे स्कूल के काफी बच्चे, सारे बच्चे स्लम से आते हैं, गरीब बच्चे हैं, उनमें इस तरीके की बीमारी पाई जाती है। और पिछले कुछ माह से हम यहाँ पे टेकराम सिंह मेमोरियल स्वास्थ्य केंद्र के नाम से आरोग्यम नोएडा लोकमंच और हम मिलकर चला रहे हैं। यहाँ भी हमारे डॉक्टर से जो हमें सूचना मिलती है, निरंतर उस गंदे पानी की वजह से छोटे बच्चों में जो बीमारी होती है उस तरीके के रोगों की संख्या काफी तादाद में हमें बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जो पेशेंट्स के नंबर हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, यानी पानी, जो साफ पानी है, जो मूलभूत सुविधा है हमारी, वो हमें पूरी तरीके से नहीं दे पा रही है नोएडा अथॉरिटी। और इस पर लोगों ने आवाज भी उठाई है, लोगों ने इसका विरोध भी किया है, लेकिन अभी तक अगर बात करें तो गंगा सप्लाई वाटर को मिक्स कर दिया जाता है इनके जो लोकल ट्यूबवेल वाटर है उसमें, जो भूमिगत जल है, और उसकी वजह से टीडीएस कम करने की बात होती है। लेकिन शरीर की जो क्षमता है वो 500 से ऊपर जब पानी का टीडीएस जाता है तो उसे झेल पाने की क्षमता नहीं है। इसलिए लोगों को ज्यादा बीमार पड़ने और बच्चों में खासतौर से ज्यादा दिक्कत देखने को मिल रही है नोएडा में। ये सभी लोग, बच्चे भी मौजूद हैं यहाँ पर, कुछ लड़कियां मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बेटा इधर आइए, आप लोगों को, आप लोगों के घर में आसपास में किसी को देखा आप लोगों ने बीमार होते हुए बीते कुछ सालों में? पानी जो गंदा पानी पीते हैं, मतलब उनको कुछ बुखार हो जाता है, खांसी हो जाती है गंदे पानी से पीने से, और उनकी कुछ ग्रोथ भी नहीं हो पाती है जल्दी जल्दी गंदा पानी पीने से। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं इन सभी ने कुछ केसेस अगल बगल में देखे होंगे, अपने आसपास में देखे होंगे, अपने घरों में देखे हैं। सभी जो नोएडा के रहवासी हैं, इन सभी की मांग है कि किसी तरीके से जो मूलभूत सुविधा है पानी, जो पीने का पानी, वो स्वच्छ इन्हें उपलब्ध कराया जाए। और नोएडा अथॉरिटी को कई बार लेटर भी लिखा जा चुका है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर पवन बुनियादी चीज ये है जो कि मिलनी ही चाहिए, लेकिन पवन अगर बात की जाए 3 अक्टूबर से लगभग ये परेशानी जो है खड़ी होने वाली है लोगों के सामने, जब पानी सप्लाई नहीं होगा साफ पानी, कब तक ये परेशानी यहां पर लोगों के लिए बनी रहने वाली है? बिल्कुल, देखिए अगर बात करें जीडीए की, यानी गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी की, जो इस पूरे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को रन करता है, उसके मुताबिक 3 तारीख से उन्होंने इस पूरे प्लांट को बंद किया है, इसके वाटर सप्लाई को बंद किया है। अब 25 दिन यानी कि 29 तारीख के आसपास, दीपावली के एक दिन बाद या दीपावली के दिन से ही पानी की सप्लाई फिर से शुरू हो पाएगी, यानी जो एक लंबा पीरियड है 25 दिन का, उतने दिनों तक नोएडा के जो लोग हैं उनको ये प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ेंगी। लोगों से ही पूछ लेता हूं, क्योंकि हर साल ये होता आया होगा, हर साल आप लोगों को देखने को मिलता है कितने दिन लगभग पानी गायब रहता है गंगा सप्लाई? कम से कम 25 डेज तो रहते ही है, काफी प्रॉब्लम होती है हमें गंदे पानी जब आता है, घर में भी बहुत प्रॉब्लम होती है जब गंदा पानी आता है, खाना भी नहीं बना पाते गंदे पानी से, नहाने से भी स्किन खराब हो जाती है गंदे पानी से। बिल्कुल, तो स्किन डिजीजेस और बहुत कुछ हो जाती है। आप लोग इधर आइए, आप कितने दिन ये समस्या झेलनी पड़ती है साल में? वैसे तो हरदम ही होता रहता है, लेकिन ये खास तौर से गंगा सप्लाई वाटर की। हाँ, ये तो हर महीने हो, वैसे तो होती रहती है, साल में बहुत महीने ऐसे होता है कि बहुत गंदा पानी आता है, जिससे वैसे तो सारा काम हम सब पानी से ही करते हैं, मेन खाना है, खाना तो बहुत ही मतलब बना ही नहीं सकते, इतना गंदा पानी आता है, मट्टी वाला पानी आता है जी। और लोग भी मौजूद है हमारे साथ, मैं बात कर लेता हूँ। मैम, हम लोग पानी पर बात कर रहे हैं कि किस तरीके से गंगा सप्लाई वाटर जो बंद हो गया है, आगे आइए इधर, आपसे पूछते हैं, 25 दिन गंगा सप्लाई वाटर बंद रहता है, कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं घर में गृहिणियों को, महिलाओं को और सभी को? मैं बोलूंगी कि सबसे पहले तो इस वाटर से प्रॉब्लम ये होता है कि मतलब हमारी जो ग्रोथ है जी, आजकल बच्चों के हेयर देखिए, हेयर फॉल स्टार्ट होता था जाके कभी बुढ़ापे में, अभी स्टार्टिंग में ही स्टार्ट हो जाता है, ग्रे हेयर्स, हेयर फॉल और स्किन प्रॉब्लम, प्लस इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ ऑल्सो। तो क्या आप लोगों ने कभी कोशिश की, आप लोगों ने आवाज उठाने की या
बोलने की नोएडा अथॉरिटी को, क्योंकि नोएडा में रहते हैं, हम सबका हक है साफ पानी पीने का, और ये 25 दिन वैसे भी बहुत दिन दिक्कत होती है और ये 25 दिन तो और दिक्कत होती है, तो क्या आप लोगों ने कभी आवाज उठाई, कभी बोला कोई कम्प्लेन? Not so much. अभी नहीं किया है नहीं। आप लोगों ने, मैम मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि गंदा पानी सबसे ज्यादा दिक्कत करता है, तो क्या जो है लोगों के थ्रू वो कहीं ना कहीं पहुंच रही हैं कि किस तरीके की दिक्कतें यहां पर हो रही हैं लोगों को। लेकिन सवाल यही है कि आखिर क्यों अथॉरिटी की तरफ से इस पर ध्यान नहीं दिया गया है? बीते 6 साल से लगातार लोग इस मुसीबत को झेल रहे हैं और निश्चित तौर पर अभी भी अगर एक्शन नहीं लिया गया तो आने वाले और सालों में भी ये परेशानी लगभग बनी रहेगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा लोग कैसे अपनी परेशानियां यहां पर बयां कर रहे हैं, लोगों ने काफी कंप्लेंट्स भी की हैं, लेकिन उसके बावजूद ये परेशानी लोगों के सामने बार बार मुंबई खड़ी हो जाती है। और इसका कारण यह है क्योंकि प्रशासन का रवैया जो है वो काफी स्वस्थ है, घरों तक गंदा पानी जो है वही सप्लाई किया जाता है।